आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस जारी अंडे आलू की साधन का ऑयल उपरा था जा रहा है। इसी पॉइंट पर जब ऑयल उपरा आने लगे उसके बाद इसमें ऐड करते हैं बॉइल्ड आलू। आलू जो उबाल कर रखे थे इसमें हमने शामिल किए, जैसे कि आप देख सकते हैं। आलू के साथ ही कुछ इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं, जरा सी कीजिएगा मिक्स। इस वक्त हमने लेट नहीं किया, जबरदस्त एक तरह से जो आलू गोश्त का सालन होता है उसी तरह की ग्रेवी आपको फील हो रही होगी। प्रोसेस जारी, अब चलते हैं गाजर की चटनी की जानिब। वक्त बहुत मुख्तसर है जी, क्विकली इंशाल्लाह हमने वो भी करनी है तैयार। जरा तो धनिया प्रिपेयर करते हैं गाजर की चटनी के लिए। इस पॉट के अंदर हमने जरा सा काम कर रहा हूं, एक से दो बगे सालन ये हम यहां ले आते हैं। बहुत जबरदस्त, देखिए जरा ऑयल को गर्म कीजिए। गाजर दोस्तों 3 से 4 अदद कैरेट थी जिसे हमने ग्रेटेड कद्दूकस कर लिया है। टमाटर 3 अदद ऐड कर लें, प्याज ऐड कर लें, ठीक है। जरा सा गर्म होने दीजिए ऑयल को, उसके बाद ही सभी चीजें ऐड करते हैं। बहुत दूर से मौजूद है इस्लामाबाद से कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुशनुमा, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। खुशनुमा कैसे हैं आप? जी हाँ अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। इतनी सर्दी है, ठंड में आप बना रहे हैं अंडे आलू जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, सोचिए हम ये कराची में कितनी ठंड में होंगे। बहुत अच्छे दिन बना रहे हैं सर्दी के हिसाब से। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा खुशनुमा, हमने पूछा है कि अंडे कितनी देर में बॉयल होते हैं? अंडे बॉयल होते हैं 15 मिनट में। 15 to 16, ठीक है जी, नोटेड योर आंसर। कोई फरमाइश है आपकी? जी हाँ, मैं आप काली फरमाइश में खुद ही पूरी कर देते हैं और इतनी ईजी भी समझाते हैं कि समझ भी जाते हैं। और मुझे पकाने का बहुत ज्यादा, आपका शुक्रिया, देख देख के मुझे पकाने का बहुत शौक उठा रहा। मैं बहुत ही कम बनाती थी। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत कम करती थी। जी बिल्कुल, खुश रहे खुशनुमा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस्लामाबाद के सभी दोस्तों को सलाम। अच्छा गाजर की चटनी के लिए आधी प्याज है, ठीक है जी, और प्याज के साथ ही टमाटर दो के लिए हमने डाल दिए। जरा से सीखी के बोला है, कुछ ही देर में इसका कलर होगा चेंज। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ एक चम्मच। अदरक लहसुन के साथ ही गाजर जो मौजूद है।